बुलंदशहर के एक डायग्नोसिस सेंटर में उस वक्त कोहराम मच गया जब तमंचे से गोली मारकर लैब टेक्नीशियन की हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया, जबकि चांदपुर चुंगी स्थित डायग्नोसिस सेंटर के मालिक और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंची क्षेत्राधिकारी सियाना अलका सिंह की माने तो क्षेत्र के नयाबांस निवासी मनीष की अवैध तमंचे से गोली लगने से मौत की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर नामजद डायग्नोसिस सेंटर के मालिक सतेंद्र व उसके गांव का निवासी साथी बबलू को हिरासत में ले लिया है। रजनी है मेरा नाम। मुझे लैब पर रहवे हो? कहां पर, कौन सी लैब पर रहता था? ये चांदपुर चुंगी पर लैब है, नाम की तो याद नाम है। क्या नाम है लड़के का? मनीष। कहाँ का रहने वाला वो? नयाबांस। कैसे कैसे लगी गोली इसके? भैया मुझे बताना कैसे लगी। में एक व्यक्ति मनीष नाम का जो नयाबांस का रहने वाला है, उसकी डायग्नोस्टिक सेंटर लाइफ केयर में संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है गोली लगने से। घर वालों की तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर का मालिक है सत्येंद्र उसके खिलाफ, और एक व्यक्ति है बबलू जो कि उसी के गांव का रहने वाला है उसके खिलाफ। इन दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ से ये पता चला है कि बबलू द्वारा बताया गया कि एक तमंचा को देखने के क्रम में वो गोली चल गई थी और उसको मनीष को लग गई है। दोनों ही मुलजिम हिरासत में ले लिए गए हैं और तमंचा अभी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी बबलू ने पूछताछ में बताया कि एक अवैध तमंचे को देखने के दौरान अचानक गोली चल गई और गोली सीधे मनीष के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि घटना में इस्तेमाल हुआ अवैध तमंचा भी पुलिस बरामद करने के प्रयास में लगी है। लैब टेक्नीशियन मनीष की मौत से मृतक की माँ और परिवार गहरे सदमे में है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।